नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 23 साल प्लस हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, एक तो करियर से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि आगे क्या लिखा है, बिजनेस करूं या नौकरी। सेटिस्फेक्शन वर्ड जो है, मतलब नौकरी मिलती कहीं पर है और उसमें प्रोफाइल चेंज करके या कुछ समथिंग इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं इनकी लाइफ में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी पूछना चाहते हैं कि एक केस चल रहा है, वो कब तक क्लियर होगा, पिताजी की डेथ 1.5 साल पहले हो गई थी, आगे कैसा रहेगा, शादी कब होगी, विदेश जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, एक कंट्री बोली है वहाँ पर मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। तो देखो, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। आपने अगर जाना हो तो US कनाडा वो तो है, बट लेकिन जो आप मेरे से जर्मनी या कोई चीज़ पूछ रहे हो, वहाँ पर मेरे को ये रेखाएँ दिख नहीं रही हैं, क्योंकि ये रेखा तो यहाँ से तो मुझे इंडिकेशन लग रहा है, ठीक है, आपका यहाँ तो लग रहा है कि वो आप जा सकते हो, ठीक है। घूमने के पर्पस से अगर आपने जाना हो तो एक अलग मैटर है, टिकने की बात है, टिकना मुश्किल है आपकी लाइफ में विदेश में, और अभी जॉब करनी पड़ेगी आपको 31 साल तक, और उसके बाद जो है आप बिजनेस कीजिएगा। अभी कोई भी बिजनेस करोगे नहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अगर आपने जॉब करते हो सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आएंगे। देखो, जब ये रेखाएं टर्निंग पॉइंट पर ऐसे ऐसे घूमने लग जाए ना, तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे आपके हाथ में देखो, या तो ऑफशूट ऐसे ऐसे होने चाहिए थे, ठीक है, ये तो है नहीं। अब आप मेहनत ज़्यादा करोगे, मुद्दा ये आता है, मेहनत ज़्यादा करोगे, बनाओगे चीज़ों को, ऐसा नहीं है नहीं बनाओगे, लेकिन फिर भी अभी आपने वो काम तो करने नहीं, जैसे जैसे आपने मेरे से कहा कि कोई परचून की दुकान या कुछ, हाँ चंद्र से रिलेटेड काम डेफिनेटली मैं दूंगा, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह वो दूंगा, लेकिन अभी पार्टनरशिप में भी काम मत कीजिएगा, वो भी नहीं चलेंगे, ठीक है। जॉब ही करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी। सॉरी, ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ साइन होते हैं बहुत हल्के 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 चलते हैं, लेकिन हमें ना राहु के प्रभाव समझ आ जाते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है वो भी पता लग जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे पकड़ते हैं चीज़ों को, कैसे पकड़ते हैं, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। सबसे पहले 20 साल की रेखा को पकड़ते हैं। ठीक है, ये 20 साल की रेखा है, यानी ये 18 साल की रेखा, ये 17 साल की रेखा। मैं आपको पहले एक बार सारा कंसर्न समझा देता हूं ना कि ये क्या है, क्योंकि मुझे पहुंचना है, मैं इनका हाथ जो देख रहा हूं, मैं वो इन जगहों से देख रहा हूं, इन जगहों से देख रहा हूं, इससे आगे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या क्या परिस्थिति, फिर भी मैंने पकड़ना शुरू कर दिया कि इनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, दिखाता हूं समझाता हूं। देखो, समझो, ये एक साइन है यहां से लेकर ऐसे, और नीचे ये एक डॉट पड़ा हुआ है, डॉट पड़ा है, ये है आपका 9 साल और 10 साल। 9 और 10 साल के बीच में यहां कोई काम बढ़ाने के चक्कर में लॉसेस हुए होंगे, शेयर मार्केट में लगा दिया होगा या कहीं पे लगा दिया होगा, यहां लॉसेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ ये देखो, ये क्या है, ये परेशानी, इधर से ये रेखा आपको लोन, ये देख रहे हो आप, प्रॉपर्टी एंड लोन, 12 साल, ये 13 साल पर किसी की हेल्थ खराब, ठीक है, ये हेल्थ खराब, चाहे पिताजी हो या कोई और हो, ठीक। अब देखो यहाँ ये क्या है, चेंजिंग है ना, ये चेंजिंग आ रही है ना, तो यहां पर चेंजिंग की रेखाएं निकली हुई है,
जैसे ही 16-17 साल का समय आएगा, यहाँ पर चेंजिंग, कोई घर चेंज या समथिंग उससे रिलेटेड है। ये जो समय है 20 साल का, जो समय है यहां पर एक रेखा है, ये कहां गया, ये रहा, ये रही, ये देखो, ये टर्निंग पॉइंट, एक ये और एक ये टर्न कराया गया, ये टर्न कराया गया। अब ये टर्न कराया गया है ना, तो 20 से 21 में मैंने लिखा शिफ्ट, 20 से 21 में शिफ्ट, ठीक है, ये देख रहे हो, 20 से 21 के बीच में शिफ्ट। अगर शिफ्ट है तो इस जगह पर ये आइसलैंड क्यों आया है? पहले हम समझते हैं 21 से 22 साल की रेखा को, देखो समझो, ये एक घर है, ये घर है, ये एक रेखा आइसलैंड पर डली, पीछे ये वाली रेखाएं बीमारी की होती हैं, आइसलैंड आए हुए, आइसलैंड आए हुए, इस जगह पर किसी के, इस जगह पर, यहां पर भी आप देखो, इस जगह से इस जगह के बीच में आइसलैंड आया हुआ है, ये देखो, तो ये रेखा भी टूटी हुई है, ये लगातार तीन तीन चार चार क्यों टूटी हुई है, यानी यहां गड़बड़ है, यहां हेल्थ प्रॉब्लम लिखो, यहां हेल्थ प्रॉब्लम को मेंशन करना पड़ेगा। देखो आपको मैं यही चीजें, तो चीजें सिखाने होती हैं कि यहां पर क्या, किस लिए, किस लिए ये वाली रेखा आई, बीमार, यहाँ डेथ हुई है वो इस कारण से हुई है। एक कोई भी पॉइंट आपका ऊपर नीचे, यहाँ जब कट लगने शुरू हो जाए तो वो मेजर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, मेजर प्रॉब्लम्स में। अब इनके हाथ में ये रेखा ऐसे क्यों दे दी गई थी? ये यहाँ पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना, अब जब ट्रेवलिंग आदमी करता है ना, तो फिर तो टेढ़ी रेखा आती आती है, और वो टेढ़ी आती है तो यहां पर वो आइसलैंड ना बनाकर यहां पर डार्क कर दिया, डार्क कर दिया तो हेल्थ प्रॉब्लम। ऐसे तो, वैसे तो डेथ का साइन ये होता है ना, डेथ का साइन ये होता है। अब यहां पर ये इतना डिस्टरबेंस, एक ये रेखा, इधर आइसलैंड, इधर से एक बीमारी की रेखा पर कट का निशान, तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर खत्म। लॉजिक के साथ मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां कैसे। अब देखो ये 24 पर आइसलैंड है, 24 पर आइसलैंड, 25 पर ये रेखा क्या बनी हुई है, देखो ये रेखा ना चाहते हुए भी सैलरी बढ़ेगी, ये सैलरी बढ़ने की रेखा है, ये 24 क्या है, आइसलैंड क्यों है, 23 पर सीधा, देखो ये 23 पर सीधा रेखा को पकड़ लो, 23 पर सीधी रेखा, यानी ये है यहां पर, ये साइन किस चीज का है, 23 से 24 साल के बीच में ये साइन है विदेश में जाने की इच्छा, जिसके कारण आइसलैंड यानी सर रास नहीं आएगी। अगर आप वहां चले भी जाते हो 24 में, आपको दिक्कत आएगी, लेकिन 25 साल पर थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाएगी, बस यही आपकी हो रही है। और इसी साल पर आप सोचो कि जर्मनी चला जाऊं या कहीं, ना 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 ना, तो आपको तो सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। अगर आप बाहर चले जाओ तब भी नहीं होगी, आप चले भी जाओगे अगर 23.5 के होने वाले हो ना, तो मैंने क्या कहा, यहां आते आते दिक्कत आएगी, ये देख लो, आते आते दिक्कत आ जाएगी, वहां पर जॉब जो होगी क्या करोगे, छोटी मिलेगी, कुछ करोगे, वहां से फिर आप, आपके थोड़ा सा सैलरी बढ़ेगी, आपको टेंशनें शुरू हो जाएंगी, यार उम्र बढ़ रही है, उधर से मम्मी है, क्या करें क्या ना करें, ये एरिया ही काला कर दिया गया है, ये घर की परेशानियां कर दी गई हैं, यहाँ टेंशन्स हैं, किसकी टेंशन है, मम्मी की टेंशन है, और किसकी टेंशन है, भाई की है, नहीं मैंने कमाना है, तो इसलिए इसको काला कर दिया गया है। तो आपकी लाइफ में ये क्या इंडिकेशन है, इन समय पर आपको क्या सलाह दी जानी चाहिए? देखो आपको सलाह है, यहां पर जॉब करनी है करो,
बाहर विदेश जाना है तो जर्मनी का कोई फायदा नहीं, कनाडा जा फिर भी चले जा सकते हो। 24 पे दिक्कत तो जरूर आनी है, यानी वहां जाओगे और थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, आना जाना यहां पर लगा रहेगा ये भी है निश्चित, पैसा खराब हो रहा है, उसके अगेंस्ट में थोड़ी सी सैलरी बढ़ रही है आपकी। ये तो रहा आपका ये समय तक का, यानी ये एक ट्रेवलिंग की रेखा बनी, इसी में आपको डिस्टरबेंस आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है, बन रही है। अब नीचे ये आइसलैंड आ रहे हैं, देखो ये जो छोटे छोटे आठ बने हैं ना, ये जो छोटे छोटे आठ बनते हैं, तो आप करते क्या हो अपनी लाइफ में, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, और ये देखो आइसलैंड पर आपकी लाइफ टिकी हुई है। ऐसे समय पर इन्हीं पर ट्रेंगल बना दिया, एक आइसलैंड बनाया हुआ था उसको ऐसे ट्रेंगल के साथ कर दिया। आपने क्या कहा कि सर मैं ना मेरे को क्या होता है कि जॉब में अच्छा करता हूँ बट लेकिन मेहनत ज़्यादा करता हूँ, ये क्या है साइन, ये साइन क्या है, ये देख लो, ये 24 साल है, ये 23 है, ये 22 है, आइसलैंड आया हुआ था, नौकरी जानी थी लेकिन ये बचाव हो रहा है छोटे से ट्रेंगल के कारण। सर मुझे मेरे मैनेजर जो है ना उन्होंने मुझे रोक दिया, यहाँ पर एक आइसलैंड था ट्रेंगल बनाकर रोक दिया। इस ट्रेंगल की इम्पोर्टेंस ने इस आइसलैंड को कहा कि आपकी नौकरी छोड़नी थी, इसने कहा नहीं, कोई आपका जीव कोई साथी मिल गया जिसको आप पे ट्रस्ट आया, उसने कहा ये मेहनती लड़का है, लेकिन ये क्या है, ये तो आइसलैंड है। देखो मैं थोड़ा बना रहा हूँ साइन, मैं बना रहा हूँ, ये आइसलैंड था, इस आइसलैंड पर एक छोटा सा ट्रेंगल था, ये ट्रेंगल की इंपॉर्टेंस को बताना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंस को बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ 24 में दिक्कत है, तो मेरे हिसाब से आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, यहीं पर बैठकर आप काम करो, बाहर विदेश जाकर भी कोई बात नहीं बन पा रही है, पैसा ही खराब हो रहा है, घर की परेशानियां दिख रही हैं, यही है आपकी लाइफ, पहला आपको आपकी लाइफ का निचोड़ बताया है। देखो मैं थोड़ा बता रहा हूँ ऊपर, देखो इस पर ये यहाँ पर देखो आइसलैंड आए हुए हैं, यहाँ आइसलैंड आए हुए हैं, क्या है ये, मत करो यार, ठीक है अभी नहीं, डन। मैं पहली बात आपको चीजें जो समझाना चाह रहा हूं पहले वो समझने की कोशिश करो, मैं आपकी शादी को अभी इन आइसलैंड ये वाला जो पोर्शन है ना इसे निकल जाने देना चाहता हूँ, यहां चाहता हूँ, एक्चुअल में तो मैं यहां से आ रहा हूं 27वें साल पर, मैं 27वें साल पर चाह रहा हूं। अब ये साल इस साल पर देखो दिक्कत है ना, 30 साल पर, 30 साल पर, और एक यहां पर दिक्कत है, 33 साल तक अपनी शादी बचा के चलिएगा, समझ में आई, 33 साल तक। यहां पर ट्रेंगल ऊपर की तरफ बने हैं, बस इतना से याद रख लो, नीचे नीचे बना ही नहीं पा रहे ना, यहां पर बन ही नहीं पा रहे, तो ऊपर ही बना दिया और यहां पर आइसलैंड दे दी, तो सूर्य की कमजोरी हो गई ना, याद रखना 21 साल के करीब करीब में 23 साल से पहले पहले अगर पिताजी का देहांत हो जाए सूर्य कमजोर होता है, मुद्दा समझ लो सूर्य कमजोर है, ठीक है, उसके उपाय लगातार करने पड़ते हैं, वो स्ट्रगल करवाता है जिंदगी में, ठीक है, और फिर जीरो कर देता है, फिर ऊपर उठते हो फिर जीरो कर देता है, फिर ऊपर उठते हो फिर जीरो कर देता है, ये सूर्य कमजोर होने की निशानी है। पिताजी की जितनी भी चीजें हैं अपने पास रखना शुरू कर दो, ठीक है, सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूँ, पिताजी की जितनी भी चीजें हैं अपने पास रखनी शुरू कर दीजिए, ठीक है, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। देखो ऐसा है, जब ये लाइनों को पकड़ लोगे ना आप, इन लाइनों को पकड़ लोगे, ये लाइनें क्या कहती हैं, इन लाइनों से एक रेखा निकल कर फिर आपको कोई बिजनेस को ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कोई व्यक्ति मिलता है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, पीछे से चल रही है ना, करना पीछे वाला ही काम है, पीछे वाला काम क्या है सर, पार्टनरशिप में, अभी आपको मैं नहीं करवाना चाहता कोई ऐसा काम जिसके कारण आप लॉसेस में चले जाओ, अभी तो जॉब करो, पहली बात मुद्दा तो है जॉब करने का, तो आपको समझ आ गई, इस समय पर आने जाने की रेखा भी लिखी है और ये भी लिखा है, तो आप अपनी लाइफ में
25वें साल पर आपकी सैलरी भी बढ़नी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको। यही जॉब करें आप 25 साल, मैं फिर कह रहा हूँ 25 साल पर कुछ महीने के बाद आपको रिश्ते मिलने शुरू होंगे, लेकिन 27वें साल पर मैं कह रहा हूँ शादी होनी चाहिए। देखो इसको ज़रा मैं थोड़ा सा आपको ना क्लियर करके दिखाता हूँ। देखो ऐसे देखा तो ये तरक्की का साइन तो है, ये तरक्की का साइन तो है, लेकिन इसके बीच में से एक रेखा गई है ना, ये गड़बड़ है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। तो 25 और 26 के बीच में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको, 25 से 26 के बीच में, यानी यहां गड़बड़ है। 25 में सैलरी बढ़ गई, 25 से 26 साल में नहीं जी कम बढ़ी है सैलरी, क्योंकि कम बढ़ी है तो डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगी। यहां आपको शादी में रोक रहा हूं आपकी, क्योंकि रीजन क्या है, ये कट का निशान और ये एक छुटकू सा आइसलैंड, ये आइसलैंड आया हुआ था इसलिए मैं रोक रहा हूं। यहां पर ये ट्रेंगल बनाया हुआ था, ये है शादी के लिए 25 से 26 साल के बीच में, ठीक है। यहां पर अब बनने शुरू हुए थे ना, तो मैंने यहीं से कहना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं ऊपर देख रहा हूं तो मैं यहां पर कह रहा हूं भाई यहां तो गड़बड़ है, यहां पर छोड़ देते हैं हम, यहां छोड़ देते हैं इस जगह पर। अब ये क्यों आया 25 से 26 में, ये क्यों आया, ये चेंज करना है इन्होंने घर, 25 से 26 में घर चेंज करना है इसलिए आया। अभी एक प्रॉपर्टी का साइन भी आएगा, अब वो पुश्तैनी जो जो प्रॉपर्टीज हैं, अब नीचे देखो जरा आप, एक ये और ये साइन आ गया भाई, ये साइन आ रहे हैं। अब ये साइन क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति मिला हुआ है उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ये वो साइन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कब से शुरू हुआ, वही टाइम पीरियड है जहां से आपके पिताजी का देहांत हुआ, फिर प्रॉपर्टी चेंज करना एंड देन समथिंग, ये है ना। तो ये जो ये टाइम पीरियड है, ये 27 साल का टाइम पीरियड है, ये 27 साल का है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई करते हो, पीछे से रेखा निकली है ना, पीछे से निकली है, ये कोई व्यक्ति मिलेगा या एडवांस पामिस्ट्री होती है, वो कोई ना कोई दोस्त होगा, कोई ना कोई दोस्त होगा। अब वो दोस्त को कैसे देखते हैं, भाई को कैसे देखते हैं, देखो वो मैं समझाता हूं। ये एक पहले तो कलर चेंज करता हूं इस जगह पर, देखो ये कहां से रेखा निकल रही है, पीछे से निकल रही है, कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो कि आप, ये एक तो ये हो गया, ये एक भाई का साइन भी हो गया, तो इट मींस कि इस जगह पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीजें चलेंगी, यानी भाई भाई भी बाहर ही कुछ जॉब लगेगी उसकी, पहली बात जो मुझे आपके हाथ पे इंडिकेशंस लग रही है, जो हाथ पे लग रही है, मैं वो चीजें बता रहा हूं। और यहां पर चेंजिंग की रेखा मैंने बता दी, प्रॉपर्टी का साइन ये वाला बना हुआ था, ये देखो ये एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, यहां चेंजिंग हो गई 25 से 26 साल के बीच में, ठीक है। उसका कंसर्न क्या था, वो यहां से निकला था, यहां कोई आपको दोस्त मिला होगा, कोई वो आपको पार्टनरशिप से कोई कोई ना कोई चीज कह रहा होगा। यहां पर ये क्या है, ये साइन मैं क्यों नहीं करने दे रहा, देख रहे हो आइसलैंड आए हुए, इसलिए अगर करोगे तो लास्ट में आकर इस जगह पर आकर, इस जगह पर आकर कहीं ना कहीं उनसे नाराजगी वगैरह हो जाएगी। ये चीज समझ आ गई? अब इन सालों में देख लेते हैं, इन सालों पर आपके जीवन रेखा के बीच में कट के निशान लगाए हुए हैं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। बच रहने का क्या क्या मतलब होता है कि इन इन समय पर थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है 28वें साल पर, ठीक है 28 साल पर। अच्छा इसी के बीच में जरा 27 साल पर ये समझते हैं, ये क्या, ये साइन क्या है, ये साइन एक अपॉर्चुनिटी। यहां तो देखो दिक्कत है ना, आप चेंज कर रहे हो, तो चेंज करने पर क्या हुआ, एक आइसलैंड को दे दिया 25 से 26 साल के बीच में, आइसलैंड को दे दिया 26 से 27 साल के बीच में, क्या करा यहां पर, एक अपॉर्चुनिटी को दे दी। अब ये अपॉर्चुनिटी क्या है, विदेश से रिलेटेड है, या आपको कहीं दूर से चीजें, दूर जॉब मिले, या उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, ये उससे है।
अब ये दो दो तीन तीन रेखाएं जब चलती हैं, इकट्ठी चलती हैं, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी से कंसर्न होता है, होता है। अब ये रेखा यहाँ पर टर्न आ गई, टर्न आई तो इट मीन्स प्रॉपर्टी होगी। 29 से 30 साल के बीच में ये देख लो ये साइन क्या बने हुए हैं। अब ये साइन तो यहां आकर एक आइसलैंड को इंडिकेट कर रहा है और इस जगह पर एक टर्निंग पॉइंट लगा रखा है। ये देखो ये ऐसे है, ये साइन ऐसे है। ये देखो ये ऐसे है ना। अब आप यहां पर आप चेंज करोगे, इस जगह पर चेंज करना। तो मेरा कहने का क्या भाव चल रहा है कि आपकी लाइफ में आपको अभी तो आपको जॉब ही करनी है, अभी तो जॉब ही करनी है। और इस साल के बाद से, इस साल के बाद से आपने कोई अपना काम करना है। लेकिन अब यहां पर ये काला सा जो चिन्ह आया हुआ है, ये एक दिक्कत दे रहा है ना। ये दिक्कत किस चीज की आ रही है? यहां पर ये क्या साइन बनाया है? आइसलैंड बनाया हुआ है, ये आइसलैंड है। इन्हीं आइसलैंड के नीचे से एक रेखा को 8 बना दिया गया है, इन्हीं रेखाओं के नीचे से। अब ये क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है 33 से 34 साल के बीच में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, लेकिन दिक्कत आएगी आपको। यहां कोई काम शुरू कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, जिसे काम को बढ़ाना चाह रहे हो, जिस काम को बढ़ाना चाह रहे हो, ये वो चीजें आ रही हैं। तो आप अपनी लाइफ में इनको पकड़ो। कैसे पकड़ो? इस रेखा से। ये 33 साल, 33 से 34 साल के बीच में, जरा ये पकड़ लो, 33 से 34 साल के बीच में क्या आ रहा है? यानी यही समय पर, ये समय पर 8 बन रहा है ना, तो यानी चेंज। 33 से 34 साल पर कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट आ रही है, समझ? ये काम को बढ़ाने की रेखा, ये काम को बढ़ाने की रेखा। अब इस काम में एक डॉट आया हुआ है, ये डॉट आपको क्या करेगा? 35 साल पर। लेकिन नीचे क्या है? काम बढ़ा रहे हो। देखो कैसा हाथ है, कैसा हाथ है। और नीचे देखो तो इस जगह देखो तो यहां पर रेखा अपने प्रॉपर्टी के साइन बन रहे हैं। तो इट मींस कि पहले तो ये समझो ये भाई के साइन है, ये भाई से रिलेटेड है, दोस्तों से रिलेटेड है, यानी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। यहां तक तो नहीं करने दे रहा ना, क्योंकि ये पार्टनरशिप में सब दिक्कतें आएंगी। यहां तक प्रॉपर्टी तो सॉल्व नहीं होगी ना, यहां तक तो प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं होगी। होगी तो इन्हीं के बीच बीच में होनी है आपकी, जो मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। आगे समझ। तो 33 से 35 साल के बीच में काम अपना कोई बड़ा करोगे, लोन लोगे। अब देखो लोन क्यों कहा मैंने, मैं आपको एक छोटा सा साइन दिखाता हूं। देखो इस साइन के बीच में देखना, इस साइन के बीच में यहां पर एक छोटा सा आइसलैंड और यहां पर एक रेखा को घुमा दिया गया है, यानी नीचे नीचे तक। ये देखो ये घूमी हुई है ना रेखा, ये सब क्या इंडिकेशंस दे रही हैं? ये इंडिकेशंस दे रही हैं कि आप लोन लोगे और काम को बढ़ाओगे। यानी 32 से 33 साल के बीच में लोन लोगे, ठीक है, और काम को बढ़ाओगे, लेकिन 35 साल पर काम में दिक्कत आएगी। और फिर भी मैंने लिखा है कि उसके काम को बढ़ाते हुए चलोगे। ये काम 37 साल तक चलेगा। अब वो भी समझ लेते हैं कि 37 साल पर में क्या क्या इंडिकेशंस आ रही हैं। देखो मैं दिखाता हूं आपको एक ना साइन है, ये देखो ये साइन है 37 साल पर। इसको पकड़ो 37 पर, 37 और 38 के बीच में एक कट का निशान, यानी यहां तक ये देख रहे हो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले तो इस चीज का। यहां काम बढ़ा रहे थे, यानी ये यहां 37 पर ना आ काम नहीं बढ़ाना है। याद रखना मैंने 36 तक एक काम बोला है, 37 पर मैं दूसरा काम बोल रहा हूं। और 38 पर आकर उसमें राहु दिक्कत डालना शुरू कर देगा, जिसके कारण आपके घर पर ये एक 8 भी बनाया गया है और घर पर एक दिक्कत। ये
ये दिक्कत क्या कह रही है कि 37 से 38 साल के बीच में आप एक जगह विदेश के लिए ट्राई करोगे, मुद्दा समझ लेना, जिसके कारण राहु आपको तंग करेगा और आपके काम में दिक्कत आएगी। यानी ये कंसर्न विदेश का कोई काम होना चाहिए, लेकिन आपका एक स्क्वायर ये घर होता है, घर पर कोई परेशानी आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना, ये वो रेखाएं हैं। 39 साल, 39 से 40 साल के बीच में प्रॉपर्टी का साइन है। यानी ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर प्रॉपर्टी आप पहले कुछ कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत आई हो, यहाँ आकर वो क्लियर हो गई हो, ठीक है ना? क्योंकि आपका हाथ इतना क्लियर तो है नहीं ना, इसलिए मैं थोड़े से इंडिकेशंस जरूर दे रहा हूं आपको। ये चीज समझ आ गई? अब देखो इसको समझ लो, ये भी काम बढ़ाने की रेखा है। ये देखो, ये साइन पकड़ लो, ये देखो, ये काम बढ़ाने की रेखा है, ठीक है? लेकिन इस साल पर कुछ दिक्कत जरूर आएगी आपको, यानी 43 साल पर जरूर आएगी। तो आपने ध्यान देना है कि 41 और 42 साल पर बड़े तसल्ली से, यहाँ पर अगर कोई चीज़ चेंजिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट में चेंजिंग करनी है, धीरे धीरे करना। 43 साल पर विदेश भी जाना है, पूछो कैसे, क्योंकि ये साइन ये घूम के गए हैं और इन्हीं साइनों पर आपको तरक्की भी मिलेगी 43वें साल पर, और आप आगे भी बढ़ोगे। लेकिन ये तरक्की के साथ आपके आइसलैंड का क्या मतलब है, दिक्कत का क्या मतलब है? हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। यानी यहां पर आप हेक्टिक शेड्यूल का मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। इन जगहों पर चेंज, यानी आप 45 से 46 साल पर चेंज करोगे। ये देखो, ये 45 46, ये 46 पर मेन दिक्कत आ रही है, 45 से 46 में चेंज करोगे, ठीक है? फिर इस जगह पर देखो, ये काम बढ़ा रहे हो ना, ये काम बढ़ाने का साइन है, लेकिन यहां पर दिक्कत आ रही है नीचे, ये है 49 में दिक्कत, 50 में काम बढ़ाना, ठीक है? 50 में काम बढ़ाना। फिर 52 से 53 साल के बीच में, 52 से 53 साल के बीच में चेंजिंग की रेखा आएगी। देखो कैसे आएगी, ये देखो, ये रेखाएं, आपका हाथ ही इस ढंग से चल रहा है, मैं क्या करूं? ये देखो, ये चेंजिंग की रेखा है इस जगह पर, ये देखो, ये चेंज है 52 से 53 साल के बीच में चेंज। 54 पे 3 महीने की दिक्कत, 56 से 57 साल यहां पर थोड़ी सी परेशानी, किसके कारण? प्रॉपर्टी के कारण, प्रॉपर्टी के कारण। ये एक ट्रेंगल, 59 से 60 साल ठीक, 61 साल पर थोड़ी सी 6 महीने की दिक्कत, 6 महीने की दिक्कत। 63 से 64 साल काम को बढ़ा रहे हो, ये देखो, ठीक है? लेकिन ये काला साइन है ना, थोड़ा सा, थोड़ी सी काम बढ़ाने में दिक्कत आएगी, बस इतना ही है। फिर 60, ये वाला जो है, ये समय पर 66 67 68 पर थोड़े से काम की दिक्कत है। तो आपका हाथ जो है ना, वो कैसे चल रहा है, देखो कैसे, कितनी कितनी घुमावदार चीजों पर चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है? तो ये हाथ को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप पिक्चर की क्वालिटी देखो, आपने कैसे कैसे हाथ की क्वालिटी दी है, ये देखो कैसे मैं इनको पकड़ता, मैंने सॉफ्टवेयर से कर करके आपका हाथ आगे बढ़ाया है कि यहां पर और आगे और आगे और आगे, कि सही कहीं से तो क्लैरिटी मिले मुझे, ठीक है? आ रही है समझ? तो आपने क्या करना है, देखो राइट हैंड है, राइट हैंड में भी देखो ये ऐसे हाथ, मुझे इसमें कितनी दिक्कत आई आपके हाथ को, कि राइट हैंड पे मैं हमेशा फॉर्मूलों को चेक करता हूं। अब देखो एक लॉजिक समझाता हूं, देखो लॉजिक ये है कि ये रेखाएं पीछे से चल रही है ना, पीछे से चल रही है, ये इट मींस कि पार्टनरशिप में काम करो। ये देखो, ये और ये, पहले पीछे से कोई रिश्तेदार दोस्त उनके साथ मिलकर काम करने हैं,
पहली कंसर्न। दूसरा कंसर्न, सेहत का तो आपने ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी ये रेखाएं ऐसे कट लगाकर चलती है ना, तो सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा कंसर्न अपनी लाइफ में, देखो मैं समझा देता हूं, वहां देखो ट्रेंगल नहीं बने हुए थे ना, ये देखो याद रखना, मदर के नाम पर कोई भी घर करोगे बीबी चुड़ जाएगी। अगर मदर है कहीं पर और आपने अपनी वाइफ को वहां छोड़ दिया, तो वहां बात धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हो जाएगी। वर्किंग लेडी होनी चाहिए, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण आपको, मैं 33 साल तक कह रहा हूं, शादी को बचा कर रखना पड़ेगा। सूर्य कमजोर होने की निशानियां हैं, और अगर आपने टोका टाकी करी, मेरी मम्मी को क्यों कह दिया, मेरी इसको क्यों कह दिया, तो फिर आपकी शादी में दिक्कत आएगी, अदरवाइज वैसे नहीं आएगी। जहां पर आप अपनी लाइफ में सेट होते हो, आप पहले सेट होने के बाद अपने घर वालों को लेके जाना, घर वालों को, ठीक है? इतनी आसानी से चीजें नहीं आपकी मिल रही हैं हाथ में, लेकिन मिल रही हैं। काम करना है आपने, ठीक है? फीडबैक मैं दे देता हूं आपको, करना क्या, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से मैं जो ग्राफ बनाता हूं उसमें कितनी मेहनत होती है। देखो 9 से 10 साल के बीच में ये वाला, ये जो है, इस ये जो चीजें बन रही थी, ये क्या लॉसेस पर थे, आप यव का निशान था, ये प्रॉपर्टी, यहाँ लोन लिया होगा, एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? ये है 12 साल, 12 से 13 साल के बीच में, यहाँ पर कोई 13 में बीमार हुआ, 13 से 14 साल के बीच में प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, जिसके कारण जो है दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर ये वाला जो है हेल्थ प्रॉब्लम, ये देखो हेल्थ प्रॉब्लम 16 साल में, ठीक है? 17 साल पर फिर चेंजिंग की रेखा बनी हुई है, ठीक है? इसके बाद जो है ये 17 पर कहीं कहीं जाना जाना, 18 पर दिक्कत, ठीक है? अब उसके बाद देखो आपकी लाइफ में 20 से 21 में मैंने कहा शिफ्ट, ये आना जाना, ये जो साइन बने हैं ना, ये आने जाने के साइन बने होते हैं, ये आने जाने के साइन बने होते हैं। अब इन्हीं साइनों के बीच में से एक रेखा को निकाल दिया था, जिस इनका मतलब ये जो 20 से 21 साल के बीच में ये जो साइन बना रखा है ना, ये गड़बड़ का था या नहीं था? यानी पहले मैंने एक आइसलैंड बनाया, उसमें से एक रेखा को निकाला, ओहो 20 से 21 साल के बीच में ये है गड़बड़। यहां देख रहे हो 21 में डिस्टरबेंस, 21 से 22 के बीच में चेंज कर लेना, ये चेंज करना। यहां एक भाई, भाई के आइसलैंड, भाई के हाथ साथ में उसकी जो है स्टडी में दिक्कत, ये पीछे से रेखा आ रही है कोई किसी से पार्टनरशिप से रिलेटेड, ये प्रॉपर्टी चेंज करोगे, अपना घर चेंज करोगे 25 से 26, अगर पार्टनरशिप करते हो वो काम करते हो, ये 27 साल तक चलेगा, 27 से 28 में चेंज करोगे, 28 में दिक्कत आएगी, 28 में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, ये भाई से रिलेटेड है, ये दोस्त से रिलेटेड है, ये दोस्ती टूट सकती है 28 में, 29 से 30 साल के बीच में प्रॉपर्टी के साइन, जिनका कंसर्न बैक साइड पर है, तो मैं भी एक चांसेस दे रहा हूं, लेकिन यहां पर जो मैंने साइन यहां पर डाले हैं ना, ये प्रॉपर्टी के 32 पर, ये मुझे लग रहा है वो वाली प्रॉपर्टी आपकी सॉल्व होती हुई 29 या 32 पर होगी। यहां पर 32 से 33 साल पर चेंज करोगे, जहां विदेश जाने की है वो एक 27 साल है, एक ये 24 पर जा तो रहे हो, सैलरी बढ़ेगी, ये वो समय है, लेकिन यहां आइसलैंड आया हुआ था 24 पर, वो दिक्कत आएगी आपको, छोटी जॉब मिलेगी, बेटर है यहाँ पर आप ना यहीं पर काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? फिर आप ये चेंज करना चाहोगे 25 से 26, यहाँ थोड़ी सैलरी बढ़ी, दिमाग खराब हो गया यार, चेंज कर लो। यहाँ पर ये क्या है, ये वाला आइसलैंड का क्या मतलब है कि घर पर कोई बीमार होगा या लड़ाई झगड़े होंगे ऑफिस में, उससे बच के चलना, लेकिन ट्रेंगल बनाने के लिए भगवान ने बचाने के लिए दे रखा है 25 से 26 साल के बीच में। वो क्यों दे रखा था, क्योंकि यहाँ पर वो चेंज करनी थी आपने प्रॉपर्टी, इसलिए दे दिया था। तो वो आप बच रहे हो किस लिए, क्योंकि अदरवाइज ये टेंशन तो आपको 25 साल तक है ही ना। उसके बाद ये ट्रेंकल आपकी शादी से रिलेटेड थे, यहां पर अपने भाई और उससे रिलेटेड है, ये रखा देखा, यहां बीमारी की रेखा, ये लोन हो सकता है 26 में, यहां पर 28 से 29 में चेंज करोगे, लेकिन अगर 28 29 में चेंज करोगे तो 30 में नहीं करना, फिर ये प्रॉपर्टी के साइन है,
31 से 32 साल, 32 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यहाँ पर चेंज करोगे 32 से 33 साल, ये लोन लोगे, लोन लेकर अपना एक कोई बड़ी फैक्ट्री या कुछ खोलोगे जिसमें 35 साल पर दिक्कत आएगी, काम को बढ़ाना चाहते हो, ये रेखा 36 साल तक यहाँ काम चलेगा, 36 तक चलेगा, 36 के बाद मैंने लिखा है यहाँ पर देखो हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, 37 पर, 36 से 37 पर चेंज, इसलिए 37 पर ये काम चेंज हो गया, 38 पर यहाँ पर नुकसान हुआ, राहु आया हुआ है, 38 से 39 साल के बीच में राहु आ जाएगा, ये आपके काम में दिक्कत लाएगा, एक बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में यहां पर दिक्कत, ये बड़ा संभल कर यहां पर अपने कोई भी प्रॉपर्टी में डील करनी है या सब कुछ करना है, ये समय आपका 39 से 40 पे राहु के प्रभाव पे चल रहा है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी यहां पर बन जाएगी 39 से 40 साल के बीच में, यहां भगवान ने बचा लिया, ठीक है, लेकिन यहां पर 40 में आप विदेश में जाना चाहोगे, 41 से 42 में चेंज करोगे, 43 में दिक्कत, हेक्टिक शेड्यूल के कारण दिक्कत आएगी, ठीक है, ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है, ट्रैवलिंग कर रहे हो यहाँ, ये एक प्रॉपर्टी या ऑफिस या कुछ उसमें थोड़ी सी दिक्कत जिसके कारण चेंज करना पड़ सकता है, यात्रा रेखा 45 से 46 साल पर बनेगी, ये 45 से 46 साल अपनी प्रॉपर्टी अपना ऑफिस, लेकिन उस ऑफिस में भी दिक्कत आ रही है, ये इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर ये आपकी लाइफ में क्या है कि 47 साल के बीच में, 47 से 48 साल के बीच में आना जाना, 48 से 49 साल में बंटवारा, यानी या मे भी आपका भाई होगा या कुछ होगा उससे रिलेटेड चीजें चल रही हैं, 52 से 53 साल में फिर आपने चेंज करोगे, यात्रा रेखा बनी है, 54 साल पर आप अपनी लाइफ 54 से लेकर 56 साल के बीच में, यहां तक तो ठीक चला, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो कोई, जिसके कारण मैंने लिखा है कि 56 57 में दिक्कत आएगी और 58 साल तक वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, 59 से 60 साल के बीच में ट्रेंगल बना हुआ है, गुड टाइम पीरियड है, 61 में कुछ दिक्कत जरूर आएगी, 63 साल तक काम को बढ़ाना चाह रहे हो, यहां पर मत बढ़ाना क्योंकि 63 64 में थोड़ी सी दिक्कत है, फिर 67 68 में आपका आइसलैंड है, यहाँ काम में बढ़ाओगे तो दिक्कत आएगी, ये है आपका, ये काम यहां भी बढ़ाना चाह रहे थे आप 49 और 50 के बीच में, देख रहे हो, तो मैंने आपको इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ में, अब देखो 27 ये सूर्य पर्वत है, देखो सूर्य पर्वत है, मैंने लिखा है कि यहां पर भी शादी की रेखा बनी हुई है, यहाँ अब ये नीचे से एक रेखा बनी है, आप किसी के नाम पर करना घर, तो आप, मैं यहां पर कह रहा हूं 25 पर यहां पर शादी की रेखा बनी हुई है, यहां नहीं करनी, क्यों, क्योंकि मैं आपको ये 27 साल ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये डॉट है उस पर भी डॉट है, मतलब डॉट है, मैंने कहा 27 साल एक महीने पे कर लेना, लेकिन यहां बीमार आ जाएगा, कोई बीमार बनेगा, टूटी हुई है ये हृदय रेखा, यहां पर टूटी हुई है, तो यहां पर 27 से 28 साल के बीच में मैंने लिखा है यहां कोई बीमार जरूर पड़ेगा, लेकिन आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, वो ये रेखा है आपका, सैलरी बढ़ जाएगी या काम, लेकिन अभी तक तो काम ही करना है, अभी तो नहीं मैं आपको करने दे रहा, आपको मैंने ये वाले बच्चों के साइन कहा है, अब इस जिसके अंदर भाई की भी यहां पर शादी है, भाई की भी शादी है, बच्चे हैं, लड़की होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, और 33 साल तक आपको अपनी शादी को बचा के रखना है, ये मतलब आपका बनता है, मेजर 30 है, 30 में भी आपके घर पर कोई ना कोई चीज जरूर होगी, चाहे ससुराल पक्ष में हो या कुछ हो, तो ये चीजें अगर आप देखोगे जिसके कारण सूर्य पर आपके आइसलैंड आ रहे थे, तो सूर्य का उपाय मैं आपको दूंगा, इसमें आपको कंसल्टेंसी के काम, आपको चंद्र के काम, दूध का पानी का शहद का और लॉजिस्टिक का, और आपकी लाइफ में इससे रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड काम किया जा सकता है, होलसेल के काम किए जा सकते हैं, सब्जी का काम किया जा सकता है होलसेल में, मेडिसिन का काम होलसेल में किया जा सकता है, और इसके अलावा तोल वाले काम सारे किए जा सकते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन के काम किए जा सकते हैं, ये भी याद रखना, जिसमें कि क्लाइंट से इंटरेक्शन हो, ठीक है, तो अभी तक तो आप अपनी लाइफ में जॉब करें, और अगर करना हो, अगर आपने काम, तो इन सालों पर किया जा सकता है, ये जो चेंजिंग के बाद किया जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत जरूर है, 34 में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, आना जाना, तो यहाँ आने जाने के कारण दिक्कत आने का मतलब होता है थोड़ा सा कार वगैरह ठीक ढंग से चलाना, बस मुद्दा समझ लो, ठीक है, आ गई डन। तो उपायों में आपको एक राहु का उपाय और एक आपको अपनी लाइफ में सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा, धन्यवाद।